लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के एनी पॉइंट पर हमने वी की वैल्यू को कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स किए पोटेंशियल डिफरेंस के, और एक टॉपिक किया था टू प्रूव दैट ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। फिर पार्शियल डिफरेंसिएशन से कुछ रिजल्ट किया, पोटेंशियल डिफरेंस का ये क्वेश्चन किया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। एक बार प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार रीड करें और खुद ट्राई करने की कोशिश करें। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई वेक्टर आपको कांस्टेंट गिवन है, तो कितनी वैल्यू गिवन है, ई नॉट आई कैप प्लस टू ई नॉट जे कैप। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस में ई नॉट है, वाई एक्सिस में टू ई नॉट है। तो इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कॉन्स्टेंट। क्लियर है यहां तक? ई नॉट कॉन्स्टेंट है एंड 0.0 यानी कि ओरिजन, ओरिजन के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी गिवन है, जीरो। ओरिजन के ऊपर पोटेंशियल कितना गिवन है, जीरो। तो आपको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है एट एक्स नॉट कॉमा जीरो। तो आपको पोटेंशियल की वैल्यू कहां निकालनी है, एक्स नॉट कॉमा जीरो पे। तो इन शॉर्ट आपको ए और बी दो पॉइंट्स गिवन है। ए पॉइंट पर, ए पॉइंट ओरिजिन पे है 0.0, यहां पर पोटेंशियल कितना गिवन है, जीरो। और आपको एक्स एक्सिस पे एक और पॉइंट गिवन है एक्स नॉट, और आपको एक्स नॉट डिस्टेंस पे क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो आपको एक्स नॉट डिस्टेंस पे वी की क्या निकालनी है, वैल्यू। तो क्लियर है यहां तक, राइट? और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दो गिवन है, एक्स एक्सिस में भी गिवन है और वाई एक्सिस में भी गिवन है, ठीक है? तो आप इसका डायग्राम प्लॉट करें। तो मैंने इसका डायग्राम ये बनाया हुआ है। इस डायग्राम में ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये ओरिजिन 0.0, राइट? और ये वैसे ही शो किया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कॉम्पोनेंट्स हैं। एक कॉम्पोनेंट कहां पर है, एक्स के अलोंग, और एक कॉम्पोनेंट कहां पर है, वाई के अलोंग। एक्स के अलोंग कॉम्पोनेंट कितना है, ई नॉट, वाई के अलोंग कितना है, टू ई नॉट, टू ई नॉट जे कैप और ई नॉट आई कैप। तो क्लियर है यहां तक, ठीक? तो ये कोई वाई एक्सिस नहीं है, ये तो बस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ की है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है, राइट? तो ये 0.0 और ये एक्स नॉट कॉमा जीरो। तो आप एक काम करें, आपको, आप पहले एक्स एक्सिस पे काम करें। आपको ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना गिवन है, जीरो। आपको बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। तो एक काम करें, आप एक्स एक्सिस लें, एक्स एक्सिस में जाएं ए से लेके कहां तक, बी तक। ए से लेके बी तक अप्लाई करें, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस तो डी एक्स। तो पुट करें और ट्राई करें और वी की वैल्यू निकालें, प्लीज एक बार वी निकालें। तो कितने लोगों का आंसर आ गया इसमें, तो देखो इसमें आप एक्स एक्सिस लें, आप ए से बी पे जा रहे हैं, तो बी इज द फाइनल पॉइंट, ए इज द इनिशियल पॉइंट।
तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में कितनी वैल्यू रखेगा, ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है इसमें, ई नॉट इज इक्वल टू माइनस डीवी, डीवी में ए से बी जा रहे हैं तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और डिस्टेंस में फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, क्लियर है। तो ई नॉट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी, हमने निकालना है वी ए कितना है जीरो अपॉन एक्स नॉट, तो यहां से वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि वी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, कोई डाउट इसमें, राइट। तो इस केस में मैंने एक्स एक्सिस में करके दिखाया हुआ है और वी की वैल्यू आ गई। आप कहेंगे वाई की वैल्यू क्यों गिवन है, एक्स एक्सिस तो ठीक है आंसर आ गया, तो मेरे हिसाब से हमारा आंसर आ चुका है, आपको इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ फिर भी कोई कहे मैं वाई एक्सिस पर लगाना चाहता हूं, लगा लो। आप अगर वाई एक्सिस पे सेम रूल लगाते हो और वाई एक्सिस पे इमेजिन करो दो पॉइंट लेते हो, एक पॉइंट क्यू लेते हो एक पॉइंट पी लेते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है टू ई नॉट, तो वाई एक्सिस में टू ई नॉट इज इक्वल टू माइनस डीवी, डीवी में क्या, क्योंकि आप क्यू से पी जा रहे हो तो पी इज फाइनल क्यू इज इनिशियल, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, तो फाइनल कोऑर्डिनेट वाई पी है, इनिशियल कोऑर्डिनेट वाई क्यू है, और वाई क्यू तो वैसे ही जीरो होगा क्योंकि क्यू पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। और फायदा क्या होगा, ना तो आपको वाई ऑफ पी की बना है ना आपको और कुछ की बना, पूछा भी क्या है, कुछ भी नहीं, वी पूछा, वी तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो इसलिए वाई एक्सिस में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को अगर वो वाई एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड ना भी देता तो भी मेरा आंसर एक्स एक्सिस से आ गया था, तो क्लियर है यहां तक, तो रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या ये पॉइंट क्लियर है। तो ये तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये तो मैंने ये शो किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यूज हैं ई नॉट आई कैप और टू ई नॉट जे कैप। हाँ हाँ जा मर्जी लो, हाँ जा मर्जी लो, क्लियर है यहां तक। अब एक और मेथड है जो काफी ऑब्जेक्टिव बुक्स यूज करती है, वैसे मेरे को मेथड नंबर वन बड़ा पसंद है, मैं डायग्राम देख के ही बता देता हूँ कि ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर कैसे यूज करना है, बट काफी ज्यादा बुक्स मेथड नंबर टू भी यूज करती हैं, तो ये भी सीख लेते हैं, कल को बुक पढ़ रहे हो तो पता होना चाहिए क्या करना है। मेथड टू में क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लगा लो। अब ई वेक्टर क्या है, ई वेक्टर तो एज इट इज गिवन ही है आपको, तो ई वेक्टर का ई वेक्टर लिख लिया, और डी आर वेक्टर, डी आर वेक्टर में आपको पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल कहां पे निकालना है, ऑन एक्स एक्सिस, तो आपको जो पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है वो एक्स एक्सिस पे लेनी है, कहां से कहां लेनी है, ए से बी लेनी है, यही रूल है ना। तो आप डी आर वेक्टर में क्या लोगे, एक्स नॉट आई कैप, क्योंकि आप कहां मूव कर रहे हो, अलोंग एक्स एक्सिस, क्लियर है, क्योंकि आपको पोटेंशियल कहां पूछा जा रहा है, यहां पे, और यहां पे पोटेंशियल है कितना वी, यहां पे पोटेंशियल क्या है जीरो, तो आप चेक करो पोटेंशियल डिफरेंस में वी वी माइनस वी ए, क्योंकि यू आर मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी वी माइनस वी ए, और डिस्प्लेसमेंट वी बी और ए के बीच में डिस्टेंस कितना है एक्स नॉट, तो एक्स नॉट के पीछे क्या आएगा आई कैप, तो आई डॉट आई क्या होता है वन, जे वाली टर्म है ही तो जीरो, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा ये आएगा, तो यहाँ पे ए ओरिजिन पे पोटेंशियल क्या है जीरो, तो यहाँ से वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, क्योंकि बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है वी। तो आपको जो मेथड पसंद है आप यूज कर सकते हो, मेरे को वैसे मेथड नंबर वन ज्यादा बेटर लग रहा था, तो इसलिए पहले मैंने मेथड नंबर वन को यूज किया, बट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, यस सर, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव्स, मेरी ऑब्जेक्टिव शीट्स एंड बाकी ऑब्जेक्टिव बुक्स में काफी ज्यादा गिवन होता है, ये वो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वो आपको क्या दे रहा है, वो आपको ई वेक्टर दे रहा है और आपसे क्या पूछ रहा है वी पूछ रहा है, तो ई वेक्टर दे रहा है और वी पूछ रहा है। हमने लास्ट टाइम डिसाइड किया था कि अगर हमें वी गिवन है और ई पूछ रहा है तो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर, और अगर हमें ई की वैल्यू दे रहा है और वी पूछ रहा है तो डिफ्रेंसिएशन की जगह क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन, क्लियर है यहां तक। तो ऐसे ही कुछ करेंगे, डी वी पोटेंशियल डिफरेंस इज माइनस ई डॉट डी आर लगा लिया, ई वेक्टर जो भी गिवन है पूरे का पूरा ई वेक्टर की जगह यूज कर लिया, ये भी क्लियर है, और डी आर वेक्टर को हम क्या लिखते थे डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, ये भी क्लियर है। तो ये टर्म आ गई, इस टर्म में से आई को आई के साथ जे को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट जेड
कैप तो है ही नहीं इसमें, के कैप तो है ही नहीं, जीरो हो जाएगा, तो y इंटू डी एक्स आएगा, x इंटू डी वाई आएगा। यहाँ तो क्लियर है dv, पर मेरे को क्या निकालना है, मेरे को इसमें v निकालना है, तो मुझे दोनों साइड की क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब जब मैं दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन करने से पहले मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो y इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x प्लस x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ y, तो इसको लिखा जा सकता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इंटू y। क्यों? क्योंकि डिफ्रेंसिएशन में u इंटू v का फॉर्मूला किया था, और u इंटू v का फॉर्मूला था क्या, u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u। ऐसे इसमें x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ y और y इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x तो कंबाइन करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इंटू y। क्लियर है? तो ये टर्म d ऑफ x इंटू y विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, और मैं दोनों साइड्स की क्या करूंगा, इंटीग्रेशन। अब ये पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे हुआ करते थे। जब इंटीग्रेशन को रिजल्ट देता था और उस रिजल्ट को अगर हम इंटीग्रेट करते थे तो आंसर क्या आता था, एग्जैक्टली सेम आता था। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का अफेक्ट हो गया आपस में कैंसल, तो बचेगा क्या, सिर्फ माइनस एक्स वाई। और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एंड में क्या लगाते हैं, एक कॉन्स्टेंट, और वन डीवी की इंटीग्रेशन क्या होगी, वी। तो वी का ये फॉर्मूला आप मार्क करेंगे जब ये किसी ऑब्जेक्टिव में दिखेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नॉट फॉर एनसीईआरटी, इसके ऊपर लिख लेना, दिस इज नॉट फॉर एनसीईआरटी। ठीक है, यहां तक तो आइडिया क्लियर है कि कैसे इन टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है। ये वाला ये फॉर्मूला है डिफ्रेंसिएशन का, डी ऑफ एक्स इंटू वाई। डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे हैं, तो आप ये कैंसिल कर सकते हैं दोनों इफेक्ट, तो बचेगा कि सिर्फ माइनस एक्स वाई, और इंटीग्रेशन में एंड में कांस्टेंट आता है बस। ठीक, ये हमने कर लिया था। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस।